Good morning, kids. I hope you all are good. Kids, today first we will do our next two conversation questions. Then we will recite our poem and after that we will do our written work. Let's start our conversation question. Question number one. Where do the birds fly? और बेटा आपको पता है पक्षी कहाँ उड़ते हैं? Answer. Birds fly in the sky. देखिए बेटा ये सब कौन है? Birds यानी कि पक्षी. और ये सब पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं. और कहाँ उड़ रहे हैं? आसमान में, आकाश में. बेटा क्वेश्चन नंबर टू. वेयर डज द बर्ड्स लिव? और पक्षी कहाँ रहते हैं? आंसर. बर्ड्स लिव इन द नेस्ट. ये देखिए बेटा ये पक्षी ये कहाँ रहते हैं? नेस्ट में. और जो इनका नेस्ट यानी कि घोंसला कहाँ बनाते हैं ये लोग? ये देखिए इन्होंने अपना घोंसला कहाँ बना रखा है? पेड़ पर. और बेटा आपको पता है आज हम कौन सी कविता रिवाइज कर रहे हैं? हमने जो अपनी लास्ट क्लास में कविता की थी मेंढक मामा खेल खेलते. बेटा आज हम इसी कविता को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे. तो चलिए अब हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं. मेंढक मामा खेल खेलते उछल उछल कर पानी में, कभी किसी को धक्का देते होते जब शैतानी में, तभी मेंढक की डांट पिलाती कहता माफी मांगो जी, धक्का दिया किया उधम क्यों दूर यहाँ से भागो जी. मेंढक मामा रोने लगते मिलती उनको माफी तब, उन्हें मेंढक की चुप कराने को तुरंत खिलाती टॉफी तब. तो बेटा आपको इस कविता की प्रैक्टिस करनी है. बेटा आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं विलोम शब्द. जैसे आपने इंग्लिश में अपोजिट्स किए हैं जिसमें हम दोनों अपोजिट वर्ड्स लिखते हैं, ऐसे ही हिंदी में हम क्या करेंगे? विलोम शब्द. और वो क्या होते हैं? किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है या कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन का विलोम शब्द रात, अंदर का बाहर. दूर का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? दूर का विलोम शब्द पास. ठंडा का विलोम शब्द गरम. जीत का विलोम शब्द क्या होगा बेटा? हार.